अपनी मांगों को लेकर किसानों ने जहां किसनी तहसील क्षेत्र में प्रदर्शन किया, किसान सम्मान यात्रा निकाली गई, तो वहीं जिला मुख्यालय पर किसानों ने धरना देते हुए मांग पत्र अधिकारियों को सौंपा है। सबसे पहले हम आपको तहसील किसनी क्षेत्र की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यह तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, यह तस्वीरें भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान यात्रा की तस्वीरें हैं। चिलचिलाती धूप और बहते पसीने में भी इन किसानों का मनोबल डिगा नहीं है। कड़ी धूप में किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर चलते दिखाई दिए। बता दें कि किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध दुबे के नेतृत्व में किसान सम्मान यात्रा निकाली गई, जो किसान सम्मान यात्रा किसनी नगर के ब्लॉक परिसर से शुरू होकर किसनी तहसील तक जारी रही। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं किस तरह से किसान हुंकार भरते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद इन सभी किसानों ने उप जिला अधिकारी किसनी को एक मांग पत्र सौंपा है। और इस मांग पत्र में यह भी बताया है कि अगर किसानों की समस्या का निदान नहीं हुआ तो हजारों की संख्या में किसान एकत्रित होकर किसनी तहसील पर ही धरना देंगे। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध दुबे क्या कुछ कहते नजर आए, यह जरा आप भी सुनिए। अध्यक्ष जी, आज आपने तहसील में ज्ञापन दिया प्रदर्शन करके, क्या कुछ है, क्यों दिया है? ये प्रदर्शन भी है और सबसे बड़ी चीज़ है ये किसान यात्रा है, किसान सम्मान यात्रा। हर जगह किसान जिस कार्यालय में जाता है अपनी मांग रखने के लिए, वहाँ उसका अपमान भी होता है और उससे पैसे की वसूली की जाती है, तो किसानों का अपमान होता है। इसलिए हमने किसान के सम्मान में यात्रा निकाली थी, करीब 2 किलोमीटर लंबी यात्रा, करीब 2। संदेश ये है हमारा कि जब किसान रात दिन अपने खेतों में काम करके अपनी मेहनत के द्वारा पूरे देश का पेट भरता है, तो क्या उसको अपनी खेत की पैमाश करने के लिए रिश्वत देने की जरूरत है? क्या बाबुओं को रिश्वत देने की जरूरत है? अभी एक बुजुर्ग बोल रहे थे, एक शंकर सिंह दरोगा जी हैं कोई रामनगर में, एक बुजुर्ग थे बेचारे, मेरे ख्याल से 80 साल की उम्र होगी, बोला हमसे पैसे की डिमांड की जा रही है। दरोगा जी की तनख्वाह कम से कम होगी 70-80 हज़ार रुपया, बेचारा एक बुजुर्ग कहाँ से रिश्वत देगा? आपको सर माननी चाहिए, आप पैसे मांगते हैं। तो मैं करीब 25-26 ज्ञापन दे चुका हूँ गत 2 वर्षों में, और 3 बार में धरने बैठ चुका हूँ किसानों की समस्याओं को लेकर। बड़े दुख की बात है कि हम धरने पर भी बैठते हैं, पिछले बार हम करीब 1 माह धरने पर बैठे। अपर जिलाधिकारी महोदय आए श्रीराम मिश्रा जी और मुझसे कहा कि मैं 1 माह के अंदर सारी समस्याओं को सुलझा दूंगा। बड़ा दुख की बात है कि भ्रष्टाचार की शिकायत पर उन्होंने कोई अमल नहीं किया। सामने प्रूफ दे रहा हूँ कि लेखपाल ने पैसे मांगे, अगला आदमी कह रहा है मुझसे पैसे लिए, तो कोई कार्रवाई नहीं। इसका मतलब मुझे लगता है कि ऊपर भी पैसा जाता है, तभी तो अधिकारी काम नहीं करते हैं। आज हमने 17 सूत्री ज्ञापन दिया है और बहुत जल्दी अगर इस ज्ञापन को भी उन्होंने कूड़ेदान फेंका तो सैकड़ों की संख्या में किसान इस तहसील में आके हम धरना देंगे। अच्छा, क्या क्या मांगे हैं? मांगे हमारी, एक तो जगतपुर गाँव है, यहाँ पे जगतपुर में आज़ादी के बाद से अभी तक 1700 मीटर जगह पक्की नहीं करा पाई सरकार। हर चुनाव में जनप्रतिनिधि जाते हैं और वादा करते हैं सड़क बन जाएगी, नहीं बनती है। पता नहीं कितनी मौतें हो चुकी वहाँ पे प्रसूताओं की, रात में लेबर पेन हुआ, एम्बुलेंस नहीं पहुँची, और जब तक बेचारे 4 भाई बिठा के अपने बच्चियों को लाए, बच्ची खत्म। यही हाल मुड़ोसी का है, मुड़ोसी में चकबंदी नहीं हो रही है। चकबंदी एक बार शुरू हुई, कुछ रसूखदार लोग, कुछ बेईमान टाइप के लोग, भूमाफिया लोग, इन लोगों ने चकबंदी नहीं होने दी। अब किस कौन रहा है गरीब, चकबंदी आखिर क्यों नहीं हो रही है? अगर चकबंदी हमारे किसी दिन को हुई, चकबंदी कराइए, तो चकबंदी की हमारी मांग है। CSC किसरी में एक्सरे मशीन नहीं, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर लगनी चाहिए, 1 साल में लगी, गोवंश घूम रहे हैं। तो सुना आपने, दूसरी तस्वीरें जिला मुख्यालय स्थित तिकोनिया पार्क की तस्वीरें हैं। यहाँ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे दिखाई दिए। बड़ी संख्या में किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी यहाँ धरना देते दिखाई दिए। जिला मुख्यालय में धरना देने पहुँचे किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि लगातार किसानों की मांग पूरी नहीं की जा रही है, जिससे किसान परेशान है। किसान का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है, सरकार लगातार वादा तो कर रही है लेकिन उन वादों को पूरा नहीं कर रही है। जिला मुख्यालय पर मौजूद किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष क्या कुछ कहते नजर आए, यह जरा आप भी सुनिए।